ओम शांति। आज की वाणी है 25 जून 1967। रिकॉर्ड चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बच्चे जब बैठते हैं सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठे और ये निश्चय करें कि परमात्मा बाप हमको पढ़ाए रहे हैं। ये सब डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं। उस डायरेक्शन या सीमत को ऊंचते ऊंच मत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट साकार दुनिया की बात है या निराकार दुनिया की बात है? साकार की बात है, निराकार में तो निराकारी धाम में सब आत्मा एक जैसी बिंदु 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 आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव भी बेहद का बाप है। और सरकारी सृष्टि में मनुष्य सृष्टि का पिता भी बेहद का बाप है। दोनों है ऊंचते ऊंच अथॉरिटी। जिनको ही ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है, आत्माएं दो हैं लेकिन पर्सनालिटी एक है। बहुत है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते नहीं है। बल शिव के भक्त हैं, बहुत जाकर के प्यार भी करते हैं, परंतु आजकल के सन्यासियों ने कह दिया है कि परमात्मा ठिक्कर बित्तर में है, तो फिर ठिक्कर बित्तर में वो लव कहां से आवेगा? जो अव्यभिचारी प्यार है वो लोप हो जाता है। व्यभिचारी ठिक्कर भीतर में वो प्यार कहां से टिकेगा? फिर वो लव भी किसमें रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई। कौन से बाप से विपरीत बुद्धि हो गई है? भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीति दिखाते हैं, दुखी होते हैं तो प्रीति दिखाते हैं, कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, बोलते हैं भगवान रक्षा करो, साथ साथ में फिर ग्लानी भी करते हैं कि परमात्मा फिक्कर भित्तर सब में है। तो फिक्कर भित्तर रक्षा कैसे करेंगे? जो खुद ही माया की ठोकर खाने से टूट पड़ते हैं फिक्कर की तरह। श्रेष्ठ कार्यों में भित्तर की तरह भीत की तरह विघन बन करके अड़ जाते हैं, और रक्षा कैसे करेंगे? जानते गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा सास नहीं है जो भगवान के द्वारा गाया हुआ हो। न कुरान, न बाइबल, न धम्मपद,
न गुरु ग्रंथ साहब। एक भगवत भगवत गीता ही भगवान के द्वारा गाई हुई है और उसमें ही श्रीमत है। एक भारत की ही गीता है जिसका इतना प्रभाव भी है और एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। उनका ही प्रभाव है। निराकार भगवान की तरफ दृष्टि जाती है तो उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। अब कृष्ण के लिए तो ऊपर में इशारा नहीं करेंगे क्योंकि वो तो देहधारी है, नीचे रहने वाला है। तुमको तो और उनके साथ संबंध का पता पड़ गया है, इसलिए कहा जाता है कि बाप को याद करो, उनसे ही प्रीति रखो। इनसे नहीं, ये तो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाने वाला है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, अभी वो बाप भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बहुत नशा करना चाहिए और नशा भी बहुत जल्दी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने हो तो नशा चढ़ा रहे और ब्राह्मणी सामने नहीं आवे तो नशा उड़ जावे। बस ब्राह्मणी के बिना तो हम क्लास भी नहीं कर सकते। बाबा कोई कोई सेंटर्स के लिए समझाते हैं कि कहीं से तो ब्राह्मणी 5-6 मास भी बाहर निकल जाती है। तो बहुत ऐसे क्लासेस हैं जो भाई बहने अपने आप क्लास संभालते रहते हैं क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई तो बहुत साधारण है। कोई कोई तो ब्राह्मणी के बिना जैसे कि अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी सेंटर से निकल आती है तो सेंटर पर जाना ही छोड़ देते हैं। अरे इतने बहुत क्लास में बैठे हैं, क्या क्लास नहीं चला सकते? गुरु बाहर में चला जाता है तो उसके चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। यहां तो ब्राह्मणी के बिना जैसे कि अंधे ही बन जाते हैं। अभी तो तुम अंधे से सोझरे बन रहे हो, तो ऐसे थोड़े ही होना चाहिए। बाबा समझाते हैं कि धारणा नहीं होती है तो सेंटर नहीं संभाल सकेंगे, ठंडे पड़ जाते हैं। बच्चों को तो सर्विस करनी है और स्टूडेंट्स में तो नंबरवार होते ही है। बाबा जानते हैं कहां पर फर्स्ट क्लास को भेजना होता है और कहां पर थर्ड क्लास को भी भेजना होता है। इतने वर्ष सीखे हैं तो कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चला रहे। आपस में मिलते जुलते रहे, संगठन क्लासेस करते रहे, मुरली तो सब जगह पहुंचती ही रहती है। पॉइंट्स के आधार पर से ही समझाते हैं। अब सुनने की भक्ति मार्ग में टेव पड़ी हुई है और सुनाने की टेव नहीं पकी हुई है।
याद में रहे तो धारणा भी पक्की हो। सेंटर पे ऐसी तो कोई होनी चाहिए ना, जो कहे कि अच्छा ब्राह्मणी चली जाती है तो हम संभाल लेंगे। बाबा ने ब्राह्मणी को कहीं सेंटर पर भेजा है सर्विस करने के लिए, तो ब्राह्मणी के बगैर मुझे नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनावेंगे। मुरली तो सबको ही मिलती है, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए हम गद्दी पर बैठ समझा रहे। हर एक प्रैक्टिस करने पर ही तो सबसे गुण बन सकते हैं। तो बाबा पूछते हैं सर्वसेबुल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस पर जाने के लिए तो झूठ मूठ की बीमारी का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। विश्व का कल्याण करना है ये तो बच्चों को मालूम है कि हम सब बीमार हैं। अभी तुम आधा कल्प के लिए तंदुरुस्त बन रहे हो, तो कहीं पर भी सर्विस के लिए बुलावा हो तो झट चले जाना चाहिए। बाबा कोशिश भी कर रहे हैं कि जो बंधन मुक्त हैं तो नौकरी भी उनकी छुड़वा देवे। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, क्योंकि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। इतनी भारी आमदनी है और उस कमाई से क्या मिलेगा। अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म भी कोई गारंटी नहीं कि प्राप्ति होगी। यहां पर तो विश्व का मालिक बन जाती हूं। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम उस नौकरी टोकरी को क्या करेंगे, परंतु नशा पूरा चाहिए। देखना है कि हम किसी को समझा सकते हैं, इतना नशा रहता है। 25 जून 67 की वाणी का दूसरा पेज, ये समझाना है तो बहुत सहज। समझाना है कि कलयुग अंत में 500 करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग आदि में जरूर थोड़े होंगे। उस सतयुग की स्थापना के लिए बाप जरूर संगम युग पर आवेंगे। पुरानी पतित दुनिया का विनाश होना है और महाभारत लड़ाई भी बड़ी मशहूर है। ये लड़ाई लगती भी तब है जबकि भगवान आकर संगम पर सहज राजयोग सिखलाते हैं और राजाओं का राजा बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म छोड़कर मां में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बड़ी मेहनत। वास्तव में योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। सन्यासियों तो देखो अनेक प्रकार के मनोयोग बैठ करके बनाए डाले। भक्ति मार्ग में है ही सब मनोमय बातें। कहते हैं ये शास्त्र वेद व्यास भगवान ने बैठ करके बनाए। बाप समझाते हैं ये सब ड्रामा में ढूंढ है। जो भक्ति मार्ग में बैठ शास्त्र बनाए हैं, बाकी व्यास कोई भगवान होता नहीं है। जब जब भक्ति शुरू होती है तो
तो ये सास श्राद्ध बनते ही जाते हैं, इसलिए बनते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य दुर्गति में ले जाते हैं। तो ये सास सब हैं दुर्गति में ले जाने के लिए, क्योंकि ये सब मनोमय है। मन अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज है। इन मनोमय शास्त्रों से कोई फायदा नहीं है। तुमको तो बुद्धिमानों की बुद्धि मिली हुई है, बुद्धिमानों की बुद्धि है बाप, तो तुमको कोई नुकसान नहीं है। उन मनोमय शास्त्रों को पढ़ने वालों को तो नुकसान ही नुकसान है। जन्म जन्मांतर झूठी गीता पढ़ते आए तो देखो, झूठी गीता में और सच्ची गीता में कितना फर्क है, रात दिन का फर्क हो जाता है। झूठी गीता में मनुष्य की छाप है और सच्ची गीता में भगवान की छाप है। मनुष्य मनोमय शास्त्रों की कल्पना करते हैं, तो सच्ची गीता और झूठी गीता में रात दिन का फर्क है। बाप की बायोग्राफी में भी बच्चे का नाम डाल दिया, बाप की बायोग्राफी है श्रीमद् भागवत, उसमें कृष्ण बच्चे के चरित्र लिख दिए। वास्तव में चरित्र तो बाप के है, लेकिन नाम डाल दिया है बच्चे का। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही ये सब शूटिंग होती है। यज्ञ के आदि में प्रैक्टिकल में सारा कार्य करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा था, बाद में कथा कहानी बनाई एक अद्भुत जीवन कहानी, और उसमें चित्र डाल दिया ब्रह्मा का, दादा लेखराज उर्फ कृष्ण किशोर का, तो शूटिंग हो जाती है। जैसी यहाँ शूटिंग होती है वैसा फिर भक्ति मार्ग में भी चलता है। बाप की जीवन कहानी है बिल्कुल अलग, वो पुनर्जन्म रहित है और वो बच्चा जो कि पूरे 84 जन्म लेता है उसका नाम डाल दिया है। शूटिंग पीरियड में भी बेहद के जन्म लेता है, निश्चय निश्चय के जन्म के चक्र में आता है, और ब्रा ड्रामा में तो आना ही है, सबको आना है। मनुष्यों को उल्टा सुनाकर और ही फायदे के बदले नुकसान कर देती है। ये शास्त्र भी बनने हैं और भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। कौन सा खेल है? ज्ञान मिलता है तो जन्म जन्मांतर की भक्ति से वैराग आ जाता है। वैराग भी दो प्रकार का होता है,
एक है मनुष्य गुरुओं के द्वारा सिखाया हुआ हद का वैराग्य, और एक है भगवान के द्वारा सिखाया हुआ बेहद का वैराग्य। सन्यासी लोग घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, वो भी तब चले गए थे जब सतोगुणी थे। अभी तो तमो प्रधान होने के कारण बैगरी लाइफ को छोड़ करके रॉयल लाइफ में आ गए हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग मिली दुनिया में ही। कच्चे कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों के द्वारा ये शूटिंग होती रहती है। पहले एकांतवासी थे, अभी बड़े बड़े शहरों में घुस पड़े हैं। बड़े बड़े फ्लैट्स है, मोटर्स आदि सब कुछ है, परंतु भक्ति मार्ग के फॉलोअर्स इतने पत्थर बुद्धि हैं कि कुछ भी समझते नहीं है कि इन्होंने घर बार छोड़ा है या ग्रहण किया है। सब उनके चरणों में झुकते रहते हैं, ये नहीं समझते कि ये तो तमो प्रधान बन गए। और ये मनुष्य गुरु आज तो गवर्नमेंट के भी गुरु बन करके बैठे हैं। देखो नंदा बाबू हेड बन करके बैठे हैं, पूरा नाम क्या था? नंदा बाबू का पूरा नाम क्या था? 67 की वाणी है, गुलजारी लाल नंदा। अरे मनुष्यों को तो फिर भी गुरुओं का हेड नहीं बनना चाहिए। गुरुओं की भी सदगति करने वाला कौन है? मनुष्य है क्या? गीता में तो लिखा हुआ है कि साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूं। मनुष्य गुरु थोड़े ही साधुओं का उद्धार करते हैं। तो देखो आजकल मान तो सब चाहते हैं। बाप समझाते हैं ये मान मर्तबा चाहने वाले सब ऐप्स बुद्धि है। भक्ति मार्ग में सबसे ऐप्स बुद्धि वो है जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, एक ही बात में तम प्रधान बन जाते हैं कि बाप सर्वव्यापी है। जैसे कि बाप को गालियां देते हैं तमो प्रधान बनते जाते हैं, बाप तो एक व्यापी बनकर के आता है, सर्वव्यापी बनकर के तो आता नहीं। शूटिंग कहां होती है? ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में इस बात की भी शूटिंग होती है। भले दूसरों को सुनाते हैं, समझाते हैं कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है, फिर अगर उनसे पूछा जाए कि एक व्यापी कहां है, बताओ। तो बताए नहीं सकेंगे। खुद भी मुझे हुए हैं, पब्लिक को भी मुझाए देते हैं।
भारतवासियों को बाप से बिल्कुल बेमुख विपरीत बुद्धि बना दिया। अगर प्रीति बुद्धि होती तो एक बाप को पहचानते तो प्रीति बुद्धि भी होती, फिर गाली थोड़े देते। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। श्री कृष्ण को राम को कितनी गाली देते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते कि वास्तव में असल में ये गालियां देने की भी शूटिंग कौन करते हैं, कहां करते हैं ये ग्लानी। ये संगम युग में ही सारी शूटिंग होती है। जो कच्चे कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद तो बनते हैं परंतु पूरा ज्ञान समझते नहीं है, इसलिए फिर न पहचानने के कारण ग्लानी करते हैं। समझते भी नहीं है कि जो राम है सोई कृष्ण कैसे है। भक्ति मार्ग में तो कहते रहते हैं कि तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, ये नहीं समझते कि एक ही पर्सनालिटी में राम कृष्ण और शिव तीनों ही आत्माएं कार्य करती हैं। न समझने के कारण फिर ग्लानी करते हैं, गालियां देते हैं, विरोध करते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो नहीं होता कि आखिर भक्ति मार्ग में भगवान की इतनी ग्लानी क्यों करते हैं। भक्त हैं ही सब वैश्यालय में रहने वाले। तुम बच्चे तो जानते हो कि अब हम तो वैश्यालय से निकल करके शिवालय में जाने वाले हैं। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी अब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बन गए हो, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। वो तो अपने बाप को जानते ही नहीं, अम्मा ही अम्मा करते रहते हैं। तो जो बाप को नहीं जानते, सिर्फ माता की जिनको पहचाने हैं, तो जरूर कहेंगे वैश्यालय है। तुम तो भाई बहन बन गए, क्योंकि माता पिता दोनों की प्रैक्टिकल में औलाद हो। तुम्हारी भिखारी दृष्टि जा नहीं सकती। आजकल तो बच्ची के ऊपर बाप, भाई बहन के ऊपर भाई, और शिष्य के ऊपर गुरु की क्रिमिनल दृष्टि रहती है। सिर्फ क्रिमिनल दृष्टि ही नहीं रहती, क्रिमिनल असाल्ट भी करते हैं। तब वो प्रधान बन गए हैं। ये भक्ति मार्ग की सारी शूटिंग कहां होती है, ब्राह्मणों की ही संगमिक दुनिया में ये सारी शूटिंग होती है। तमो प्रधान बन गए हैं ना,
साधु संत आदि भी गंदे काम करते रहते हैं। बड़े बड़े आदमियों के लिए तो खास वैश्यालय रहते हैं। इनका नाम ही है वैश्यालय नरक। वैश्या आलय, आलय माने घर, वैश्या का आलय। वैश्या अपने घर में सांप की चिरौरी करती रहती है। एक की मान्यता नहीं, इसलिए इसको नरक कहा जाता है, क्योंकि नर ही नरक बनाता है, वैश्यालय बनाता है। परंतु आज के नर अपन को नरकवासी समझते थोड़े ही है, उनको स्वर्ग का पता ही नहीं है, तो कह देते हैं स्वर्ग नरक सब इसी दुनिया में है। अरे इसी दुनिया में स्वर्ग है तो क्यों कहते हो स्वर्गवासी हुआ? कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। कितनी भी स्त्रियां रखो तो उसमें क्या है? ये गंदे संस्कार क्यों आए? क्योंकि समझते हैं कि कृष्ण को बहुत रानियां थी, उनको 16,000 रानियां थी, तो हम क्यों नहीं रख सकते? बाबा निजाम बादशाह का मिसाल देते हैं, बोलो हिंदुओं के भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियां रखी, ऐसा बोलने वालों से बोलो कि जिनको तुम कृष्ण कहते हो वो कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, उसके पीछे तो 16,000 रानियां जा भी नहीं सकती। भगवान बाप राजयोग सिखावेंगे तो बच्चे के द्वारा सिखावेंगे क्या? बच्चा बैठ थोड़े ही राजयोग सीखेगा, वो राज की बातों को क्या जाने? वास्तव में भगवान बाप बच्चे के द्वारा ज्ञान राजयोग नहीं सिखाते। बाप अलग है और बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा अलग है। वो कहते हैं कृष्ण ने 16,000 रख ली तो हम 500 रख ली तो क्या हो जाता? तो देखो उन शास्त्रों से उन्होंने कितना गंदा उठाया है। ये विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाली बातों, कन्वर्ट होने वाले लोगों की बातें हैं। जैसे अभी अभी आज के शंकराचार्य कहते हैं 4-4 शादियां हिंदुओं को भी करनी चाहिए तो हमारी भी बहुत जनरेशन हो जाएगी, नहीं तो सारे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं, उनकी जनसंख्या कम होती जाती है। तो देखो कैसा पंचायती राज्य है, जो जिसके मन में आता है वो वैसा ही कहते रहते हैं और कराते रहते हैं। ये कोई सावरंटी नहीं है, इनको किंगडम नहीं कहा जाएगा।
ये तो प्रजा के ऊपर प्रजा का बेकायदे राज्य है। बेकायदे कानून कायदे बनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हमेशा से था, नहीं। भगवान आकर के सृष्टि के आदि में किंगडम स्थापन करते हैं। किंगडम थी तो कितना बल था, क्योंकि भगवान आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। एक धर्म होता है तो एक राज्य होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। विचारी रिलीजन होता है तो माइट खत्म हो जाती है। आज भारतवासियों का कोई धर्म नहीं है। अपन को हिंदू कह देते हैं तो देखो कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो एक किंगडम स्थापन करने के लिए, एक धर्म स्थापन करने के लिए, एक कुल एक मत स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विश्व का मालिक बन जाओगे। यहां बाप के पास तुम आए ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हेवनली गॉड फादर जिनको शिव कहा जाता है वो बात तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बहुत इजी नॉलेज है। तुमको तो इतना नशा रहना चाहिए कि ब्राह्मणी पढ़ाने वाली क्लास में न भी हो तो तुम खुद बैठ करके क्लास चलाओ। कोई कोई को तो इतना नशा चढ़ जाता है कि बड़े घमंडी हो जाते हैं। कहते हैं ये कोई ब्राह्मणी थोड़े ही है, ये क्या जानती है, इससे अच्छी तो पढ़ाई हम पढ़ा सकते हैं। बस उल्टा नशा चढ़ जाता है। बाप कहते हैं ऐसे ऐसे अहंकार करने वाले, फिर देखेंगे तो दूसरे दिन आते ही नहीं। पच्चीस जून 1967 की वाणी का तीसरा पेज। ऐसी आदत पड़ी हुई है जिस कारण जिस सर्विस होती है। ये इसलिए नॉलेज तो बड़ी इजी है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। इनसे पूछा जाए, पूछा भी जाता है कि वो डागली पढ़ाई अच्छी है या ये गॉडली पढ़ाई अच्छी है। तो कुमारियां तो कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी नॉलेज है। बाबा अभी हम तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। दिल नहीं लगता है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो फिर मार खा देगी। फिर कोई बच्चियां तो बहुत कमजोर होती है। समझाना चाहिए ना कि अरे इस पढ़ाई से तो हम महाराजा बनूंगी, उस पढ़ाई से हम क्या पाई पैसे की रोकड़ी टोकड़ी करेंगे,
नौकरी में तो इतना फायदा नहीं, ये पढ़ाई तो हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। वहां राजा भी स्वर्गवासी होता है तो प्रजा भी स्वर्गवासी बनती है। अभी तो राजा भी नरकवासी और प्रजा भी नरकवासी, ये दुनिया है ही वैसे अलग। ये भी नहीं समझते हैं कि ये वैश्यालय अक्षर खराब है। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी देखो तुम कितने तमो प्रधान बन गए। तमो प्रधान बनते बनते सीढ़ी नीचे उतरते चले आए, कलाहीन बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, अभी ठिकर की भी नहीं रही। भारत 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इनसॉल्वेंट बन गया। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पत्थरनाथ बन गए। कहां पारसनाथ और कहां पत्थर बुद्धियों के नाथ बन गए। हो तो मनुष्य, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो कि हम कहां तक लायक बने। कौन सा गीत था मुखड़ा, देख ले प्राणी। भारत का मिसाल है, बाप समझाते हैं ये सब बंदर संप्रदाय। कौन जो बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनते हैं, मंदिर लायक बनते हैं तो पारसनाथ पारसनाथ नहीं बन जाते, और बंदर बनते हैं तो राम की सेना गाई जाती है। इन सभी बंदरों में 5 विकार भरे पड़े। भ्रष्टाचार से पैदा होती है, भ्रष्टाचरण छोड़ते ही नहीं। ये सन्यासी भी देखो जन्म तो विकार से ही लेते हैं, फिर संस्कारों के अनुसार चले जाते हैं सन्यास धर्म में। पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं। जो पहले नंबर का शंकराचार्य होगा वो भी पुनर्जन्म लेते लेते इस समय तमो प्रधान बना हुआ है। जैसे ये लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, फिर अभी तमो प्रधान है, ऐसे ही सब धर्म के जो भी धर्म पिता हैं, सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान है। पुनर्जन्म लेते लेते देखो क्या हाल हुआ। अभी तुमको तो देवी देवता कहलाते भी लज्जा आती, क्योंकि पतितन है वो तो जानते भी नहीं। बड़े फकुर से अपन को हिंदू कह देते हैं, और फिर जैसे सन्यासी लोग अपने को शिवो हम कह देते हैं, वैसे ये भारतवासी समझते हैं कि हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं।
अपन को अपने आप ही श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। श्री श्री 108 फलाना धर्म गुरु जी महाराज। कहते हैं श्री जाकिर हुसैन, कोई भी धर्म का होगा, मुसलमान धर्म को भी श्री कह देते हैं। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना ही सब चलाए देती है, भाषा आदि सब बदल देते हैं। अभी तो देखो किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है, फिर नए सिरे सारा सब कुछ सीखना पड़ता है। ये सब टंटे करते करते दिन प्रति गिरते ही चले जाते हैं। गिरते गिरते एकदम भक्ति मार्ग की दुब्बड़ में गले तक फंस पड़ेगा। अभी तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़ करके दुब्बड़ से बाहर निकालते हो, कौन से तुम ब्राह्मण और कौन से सभी को चोटी से पकड़ के बाहर निकालते हो। तुम ब्राह्मण माना कौन, और चोटी तक जो गले तक दुब्बड़ में फंस जाते हैं वो कौन। हैं? जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है वो बाप के साथ बाप को पहचानने के कारण दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित नहीं होते, सिर्फ आखिरी जन्म में प्रभावित होते और शूटिंग पीरियड में भी प्रभावित नहीं होते। सिर्फ अंत में नीचे गिरते हैं। वो सूर्यवंशी ब्राह्मणों के लिए कहा कि तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़ करके दुब्बन से निकालते हो, तुम्हारी बुद्धि में पहले बात बैठती है। और कोई पकड़ने की जगह तो होती नहीं। कोई दलदल में फंस जावे गले तक तो पकड़ने के लिए क्या रह जाता है, जो पकड़ के बाहर निकाले चोटी रह जाती है। दुब्बड़ में तो ऐसे फंसे हुए हैं कि जो बात मत पूछो। भक्ति का ही राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राजभाग पाने के लिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो भल बनाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। बनाने वाले ही नहीं जानते। अभी तुम तो कितने समझदार बने हो, तुम ये बात जानते हो कि इन्हें लक्ष्मी नारायण ने राजभाग कैसे पाया और फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला के कितने मंदिर बनाए हुए, जैसे घुड़ियों का खेल बनाए दिया है। वो बच्चे छोटी छोटी गुड़िया बनाते हैं, ये बड़ी गुड़िया बनाए देते हैं। चित्र बना करके उनकी पूजा आदि करना और उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानना, ये तो गुड़ियों की पूजा हो गई।
अभी तुम तो जानते हो कि बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था। अभी हम दूसरों के प्रभाव में आकर के कितने कंगाल बन गए। जो पूजी थे सो पुजारी बन गए। भक्त लोग फिर भगवान के लिए कह देते हैं कि आप ही पूजी हो, आप ही पुजारी हो। भगवान कैसे पूज्य और पुजारी बनता है? भगवान तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। जैसे उन्होंने शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है तो समझते हैं कि शंकर ही शिव है। बाप समझाते हैं शिव भगवान अलग है और शंकर देवता अलग है। मनुष्य को भगवान कहना ये बात बुद्धि में बैठनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। अरे भगवान को तो सुखदाता कहा जाता है, वो दुख कैसे देगा? वो दुख सुख का हिसाब किताब भगवान के साथ नहीं बनता। भगवान तो दुखों के बंधन से छुड़ाने वाला है, सुखों की दुनिया में ले जाने वाला है। हाँ, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसका पार्ट है 63 जन्म भी दुखदायी बनने का और सुखदायी बनने का। मनुष्य सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, भगवान जब प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि तुम ऐसे ही समझो, ये डायरेक्शन साकार ब्रह्मा नहीं देता है, बाप ही देते हैं। तो भक्ति मार्ग में समझते हैं सब कुछ भगवान ही करता है। इसी बात में मस्त हो जाते हैं। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने चांद सितारे बनाए। अरे अल्लाह मियां कैसे बनावेगा? ये तो अनादि बातें हैं, अनादि चीजें हैं। ऐसी ऐसी बातों में मस्त हो जाते हैं। कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, लेप छेप शरीर को लगता है। तो गंगा स्नान करने जाते हैं, समझते हैं गंगा स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, जो चाहिए सो पियो। क्या क्या फैशन निकला है। बस जिसने जो रिवाज डाला वो ही भक्ति मार्ग में चल पड़ता है। आगे मनुष्यों को आदमखोर कहते थे, मनुष्यों की भी देवी पल बल चढ़ाते थे। अभी भी कभी कभी कहीं कहीं अखबार में देखा जाता है कि बच्चे को ले जाकर बलि चढ़ाई।
मनुष्यों की गति मति देखो कैसी हो गई है। अभी बाप बैठ समझाते हैं, ये बच्चों को बलि चढ़ाने की रस्म रिवाज कहाँ पड़ती है, है? कैसे लाख समझाओ तो भी मानते नहीं है, क्या बात नहीं मानते है? छोटे छोटे बच्चे जो यज्ञ में अर्पण कर दिए जाते हैं उनकी अपनी बुद्धि तो काम करती नहीं, माँ बाप उन्हें अपनी बुद्धि के आधार पर अर्पण कर देते हैं, तो ये शूटिंग हो जाती है। ज्ञान को समझे बिना अर्पण नहीं कहा जाता, अर्पण तब होता है जब अपनी बुद्धि से ज्ञान को समझे। अभी बाप तुमको वैश्यालय से शिवालय में ले चलते, सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, वहां सब खीर खंड होकर के रहते हैं, और ये दुनिया तो है विषय सागर। इस विषय वासना के सागर में सब गोते खाते रहते। 25 जून 1967 की वाणी का चौथा पेज, तो यहां देखो समझाया जाता है कि मनुष्य अच्छी रीति से बात को समझे। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वर्णन है, इतनी सीढ़ी की सहज बातें भी किसी को समझ आ ही नहीं सकते हैं। तो बाबा समझेंगे कि ये पूरा पढ़ते नहीं है, इसलिए कोई को समझाए नहीं सकते हैं, मन बुद्धि दुर्गति में पड़ी हुई है, तो दुर्गति में ही खुश हैं। जैसे विष्टा के कीड़े होते हैं, उनको नाली से विष्टा से निकाल करके साफ सुथरे धूप के स्थान में रख दो तो छटपटा के मर जाएंगे, ऐसे आज मनुष्यों का हाल हुआ पड़ा है। ओम शांति।